जम्मू कश्मीर पुलिस को आज बड़ी उपलब्धि हासिल हुई जब झज्जर कोटली में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और ट्रक में से जो कि कश्मीर से ट्रक आ रहा था उस ट्रक से जो है लगभग 52 किलो के करीब जो है हेरोइन बरामद की गई जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ से ज़्यादा है, जिसकी जानकारी आज खुद दिलबाग सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। ये एक बड़ी उपलब्धि है, नार्को टेररिज्म के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक है। हमारे पुलिस के जो हमारे जवान हैं उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके अंदर जो पुलिस टीम झज्जर कोटली की है उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ये सारी की सारी जो हेरोइन है इसको जो है पकड़ा है। और इसके साथ साथ एक जो को ड्राइवर था उस ट्रक का जो कि श्रीनगर से ट्रक आ रहा था और ये पंजाब की तरफ जो है ये पूरा कंसाइनमेंट लेके जाया जा रहा था, अभी फिलहाल ड्राइवर जो है इसके अंदर फरार है। लेकिन पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, इस 100 करोड़ से भी ज़्यादा की हेरोइन को यहाँ पर जो है जब्त किया है जो कि एक ट्रक के ज़रिए कश्मीर से पंजाब ले जाई जा रही थी। मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत बड़ा नारकोटिक्स का सीजर जो है वो जम्मू पुलिस ने किया है। कुल मिलाकर के जो नारकोट्स का ट्रांसपोर्टेशन है, स्मगलिंग है पाकिस्तान की तरफ से, वो पूरे साल के अंदर बड़ी स्केल पे हुआ। काफ़ी बड़े बड़े सीजर कश्मीर में करना, कुपवारा, बारामूला के रूप से आने वाली जो ड्रग्स हैं वो वहाँ से पकड़ी गई। इसी तरीके से रजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ के सेक्टर से बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स आई जिनको जम्मू पुलिस ने पकड़ा। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी सामने आए जहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया नारकोटिक्स को स्मगल करने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तफ्तीश के दौरान काफ़ी बड़े इंटरस्टेट कनेक्शंस ड्रग माफिया के सामने आए जिसके ऊपर जम्मू पुलिस ने, कश्मीर पुलिस ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। हमारी कोशिश है कि नारकोटिक्स का जो सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से जहां और पंजाब में चलता है और फिर नार्को टेरर के नेटवर्क को चलाने की जो कोशिशें होती हैं कि नारकोटिक्स का सेल हो, उनकी सेल से जो पैसा अवेलेबल हो उसको मिल्टनसी में फिर से पंप इन किया जाए। कुछ ही दिन पहले जम्मू पुलिस ने और एक ऐसा बहुत बढ़िया काम किया था जिसमें नार्को ट्रेड से वाबस्ता जो पैसा जो हवाला की फॉर्म में वापस कश्मीर जा रहा था जिसको दहशतगर्दी के कामों में लगाया जाना था, पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर आउटफिट्स की तरफ से जो पैसा भेजा गया था जो कश्मीर में काम करने वाले टेरर आउटफिट्स थे जिनको इसकी सप्लाई होनी थी,